और ये सब तो आता है मूर्ति बोलते हैं, और कुछ कौड़ती भी है इधर में पड़ती है, उस काटिंग फीस भी कुछ आता है इधर से साउथ से आता है। उठाने का उतारने का 120 रुपये मिलता है हमारे। तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं भाई। तो हम लोग बहुत मेहनत है, आप लोग फॉलो करिए इस चैनल को, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और तो हम लोग है अभी एक बहुत ही बड़ा मछलियों के मार्केट में। सेलका नहीं बोलता है। और क्या क्या है यहाँ पे? मुआ मछली है, ये मुआ मछली है। और ये बेनारू है, और क्या क्या वैरायटी मिलता है यहाँ पे? संदा है, संदा संदा से ये कहाँ से आता है ये मार्केट का मछली? मुझे पता। बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ के लोग बहुत ही बिजी है, इसीलिए बताने में उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम लोग बस घुस आए हैं यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए। बहुत सही मीठा पानी है, देख लो, बोलिए। साला पोठी बस नारो साले ज्यादा नहीं। और कहाँ से आते हैं ये सब असली? गोरखपुर लखनऊ, गोरखपुर से मेन फॉर्म है, अवेलेबल है मार्केट में, मेन मालिक है, मालिक है ना उनसे। असली ये आपका है गोरखपुर लखनऊ से आता है, डैम का होता है, रिवर का होता है, ये सब का जो आता है इधर में मोस्टली आता है गोरखपुर लखनऊ से। एक्चुअली देयर इज टू मार्केट इन इन व्हाट, वन इन गोरखपुर, अनदर इन लखनऊ फॉर स्वीट फिश, स्वीट वाटर फिश। और है आपका जो आता है मैराइन फिश आता है, उसी में मोस्टली कम फ्रॉम गुजरात महाराष्ट्र। एंड और भी आता है जो साउथ इंडियन से जितने मछली आते हैं, कुछ आता है सॉल्टेड फिश आता है, और स्वीट वाटर फिश भी वहाँ से आता है। तो क्या क्या वैरायटी का फिश होता है? वैरायटी होता है इसमें मोस्टली होता है जो पुठी होता है, जैसे चांदा होता है, उसका चाला बोलते हैं, चाला बोलते हैं, जैसे चाला वो है जो ये जेल बोलते हैं, जो टेंगरा बोलता है कुछ, मोस्ट नारो है ये, इसको कोलास बोलते हैं हम लोग को, जैसे हम लोग का वर्ड है इसमें। और ये सब तो आता है मूर्ति बोलते हैं, और कुछ कौड़ती भी है इधर में पड़ती है, उस काटिंग फीस भी कुछ आता है इधर से साउथ से आता है, ये जो ये आपका मतलब है जो आरी मछली है उसको काट करके बेचता है, वैसे वैसे आप यहाँ में डिमांड है, जैसे जैसे डिमांड है वैसे वैसे मछली आता है। यहाँ से आने के बाद कहाँ कहाँ से? यहाँ से जाता है आपका, वो आपका है मछली सब फिश खाता है हिल साइड, हिल एरिया है बांग्लादेश, हिल्स एरिया इसी जगह का आदमी मोस्टली प्रीफर करते हैं ड्राई फिश। एक्चुअली क्या होता है हिल एरिया में तो फ्रेश वाटर फिश तो नहीं मिलते हैं ना, उसमें तो कच्चा मछली नहीं मिलता है, इसलिए ये सब ले जाते हैं गारो हिल्स, खासी हिल्स, मेघालय, अरुणाचल, उसका बाद जो है नागालैंड, मणिपुर, इसमें ज़्यादा कंज्यूम होता है। और ये फिश का यहाँ से अगर होलसेल में लेने के लिए आए कोई, कितना कितना रेट में होता? नहीं, ये तो वेराइटी से रेट है, वेराइटी जैसे जिससे डिमांड होता है इसी तरह से जाता है, वेराइटी से रेट आता है, जैसे वहाँ से मार्केट जैसे हम लोग खरीद कर कहते हैं उसमें 5 रुपया
10 रुपये के जी में हम लोग को मार्जिन लेकर के बिक्री करता है, अगर कभी भी उसे भी नहीं मिलता है, जैसे हमको गाड़ी का किराया रेंट देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है उसका, एक्चुअली कॉस्ट आता है, वहाँ में आदमी रहता है वहाँ से भेजता है, इतना सब मिला मिला करके हम लोग को कम से पूरी जगह में कुछ मछली में 5 रुपया, कुछ मछली में 10 रुपये, ऐसे पर के जी में हम लोग को मार्जिन लेकर बेच देते हैं। तो ये जो सूखा मछली है ये बाहर से आते हैं? हाँ, सब बाहर से, और लोकल नहीं है? लोकल आते हैं, लोकल एक्चुअली कम होता है, और यहाँ में असम में कसा मछली का डिमांड ज़्यादा होता है। वो ड्राई फिश करेगा तो 1 के जी मछली में कम से कम हार्डली 250 ग्राम्स आएगा। तो ये जो मछली है आपका, ये जो हम बोलेगा ये जो क्या मछली दिखा देगा, जैसे है ये मछली दिखा दिया है, इसको है हमको लोग ये बोलते हैं, ये गुड़दी बोलते हैं ना, गुड़दी। हाँ, ये मछली अगर हम लोग को छाला है, ये छाला मार्केट में हम लोग का कच्चा मछली होगा तो 600 रुपये के जी होता है, 600 रुपये के जी आएगा, उसको ड्राई करेगा तो 250 ग्राम से आएगा। हाँ। लेकिन हम लोग यहाँ में बेच रहे हैं इसको 300 रुपये के जी, तो 1 के जी 4.5 टाइम्स आपको कर दीजिए, जिससे आपको 300 रुपये के जी से 1200 रुपये हो जाएगा ना, हो जाएगा। हैं, तो ऐसे ड्राई करके उनका जो जितने फिशरमैन है यहाँ का लोकल, उनका तो लॉस्ट होगा, इसलिए वो लोग कैसा बेचते हैं, समझे ना। ओके, तो अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा भोगन शर्मा। कहाँ बोलेगा, आओ इधर आओ, काम करके कैसा लगता है आपको यहाँ पे? काम करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये मार्केट हर रोज होता है क्या? बोरा है? नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा दिन खुलता है? हर दिन होता है ना बाजार? लगता है मंगलवार को, हाँ, बुधवार को, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को, शनिवार को बंद रहता है। हाँ। तो संडे का दिन हमारा हिसाब किताब होता है। हाँ। तो संडे का दिन हम रेस्ट डे रहता है, हॉलीडे है। हाँ। तो होली कितना मिलता है हफ्ते में? तो हमारा मिलता है, वो तो काम के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो एक बोरा लेके आता है हम लोगों को मिलता है 30 रुपये। हाँ। वो एक काट के 20 से काटेगा, ऐसा बनाएगा ऐसा, तो इसका मिलेगा 30 रुपये, उठाएगा चालनी करेगा, कुल मिला के ऐसा एक बोको उठाने का उतारने का 120 रुपये मिलता है हमारा। तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं भाई। तो हम लोग बहुत मेहनत है, आप लोग फॉलो करिए इस चैनल को, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और थैंक यू फिर मिलेंगे।